हाँ जी कहानी है, एक बार तारस राक्षस के एक पांच फीट हो के दूर दूर से गिर पड़े, गिर पड़े तो एक एक फीट एक शिवलिंग क्षेत्र अभी पूजा पूजा के लिए है, भीमा राम शर्मा राम अमरा राम और राम अमरा राम और कुमारा राम कुमारा राम क्षेत्र है, पांच क्षेत्र बन गए। हाँ उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि शिव बाप आके पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं वो कम से कम उस पंडा बाप के कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, बाकी दुनिया की गिनती नहीं होती है। उन पंडा के पांच पुत्रों की गिनती होती है, पांच पांडव। वास्तव में ये पांच पांडव पांच भारतीय धर्मों से कनेक्टेड आत्माएं हैं। सिख धर्म, सन्यास धर्म, बौद्ध धर्म, चंद्रवंश और सूर्यवंश। बाप आते हैं तो ये पांच वर्ग की आत्माएं बाप की पढ़ाई नंबरवार पढ़ती हैं। उन पांच वर्गों से ये पांच भारतीय धर्मों की स्थापना होती है। उन वर्गों के कोई मुखिया भी होते होंगे, जो अपने वर्ग में 100% मार्क्स लेने वाले हों, उन्हीं के पांच पांडव पांच नामों से विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। परंतु उन पांच पांडवों का जो गायन है जो पांच भागों में विभक्त हो गए, पहले संगठित रूप में थे, एक शिवलिंग के रूप में थे, तो वो एक शिवलिंग कौन है जिसमें पांचों पांडवों का सप्त समाया हुआ है? अरे उन पांचों के अंदर कोई नाम बताओ। पांच पांडव, पांच पांडवों में से किसके प्रति संपूर्ण समर्पित थे? युधिष्ठिर, जो आदि से लेकर के अंत तक माया के युद्ध में स्थिर रहा, विचलित नहीं हुआ। पांच पांडवों को दिखाते हैं, जब स्वर्गारोहण किया तो चार पांडव धराशायी हो गए और सिर्फ एक
युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण किया, जीते जी स्वर्ग में पहुंच गए। तो वो कौन सा वर्ग था है? अरे सूर्यवंशी ही थे। जो सूर्यवंशी संगमयुगी स्वर्ग में आरोहण करके अपने ही शरीर से जीते जी सतयुगी नई दुनिया में पहुंचते हैं, कोई के पेट से जन्म लेकर नहीं पहुंचते हैं। युद्ध में आदि से लेकर के अंत तक स्थिर रहते हैं। वो स्वरूप शिवलिंग कहा जाता है। कैसा लिंग है? कल्याणकारी लिंग। बोलेगा तो जो भी बोल बोलेगा वो कल्याणकारी, जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा वो कल्याणकारी, जो भी मनसा से संकल्प करेगा वाइब्रेशन फैलाएगा वो कल्याणकारी, दृष्टि से जो भी देखेगा वहां कल्याण ही कल्याण समाया हुआ होगा, कोई के प्रति अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए उसका नाम दिया गया है शिवलिंग। वो कौन से युग में होता है यथार्थ रूप में? कोई युग है जब शिवलिंग का यथार्थ रूप होता है? संगम युग। संगम युग में वो संपन्न रूप है शिवलिंग। जो फिर गिरती कला में जाता है, सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में, जैसे मकान होता है, कोई दुकान होती है या दुनिया की कोई भी चीज होती है, अगर उसकी 100 साल की आयु है तो 50 साल तक स्थिर रहेगा, 50 साल के बाद टूटना फूटना शुरू हो जाएगा, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही जिस शिवलिंग को भारत में पूजते हैं, जिस शिवलिंग की पूजा होती है, वो पूजनीय लिंग उस शरीरधारी की यादगार है जो पुरुषार्थी जीवन में आदि से लेकर के अंत तक निश्चय बुद्धि होकर चलता है। और 21 जन्म तक भी खंडित नहीं होता, अखंड सुख शांति का साम्राज्य के अंदर रहता है। परंतु जब 8 कलाएं कम हो जाती हैं तो टूट फूट शुरू होगी कि नहीं होगी? है, शुरू हो जाती। और जब टूट फूट शुरू होती है तो पहला आक्रमण होता है इस्लामियों का। चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? चलो, बहुत पावरफुल पत्थर है या स्वर्ण लिंग कहा जाता है या रजत लिंग कहा जाता है या ताम्र लिंग कहा जाता है, लौहलिंग भी कहा जाता हो, लेकिन जब लगातार घन बजेंगे तो टूट फूट होना शुरू होगी या नहीं होगी? टकराहट होती है तो टूट फूट शुरू होती है। इस्लाम धर्म की टक्कर हुई तो बौद्ध धर्म की आत्माएं
जो शिवलिंग से पहले जुड़ी हुई थी। क्या छिटक गई? बौद्ध धर्म वाले इस्लामियों ने जब तलवार दिखाई तो शरणागति हो गए, या उन्होंने राम वाली आत्मा युधिष्ठिर वाली आत्मा का साथ दिया होगा? साथ नहीं दिया, कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही और धर्मों का आक्रमण हुआ, क्रिश्चियंस का आक्रमण हुआ तो भी तोड़फोड़ शुरू होती है। जो सन्यास धर्म की आत्माएं हैं वो शंकराचार्य के प्रभाव में आ गई। जिसे पांडव का नाम नकुल कहा जाता है वो भी टुकड़ा टूटा। अंत में सहदेव वो भी टूटता है। सिख धर्म हिंदुओं से मिलकर के रह रहे हैं या पंजाब में सिमट गए? टुकड़ा अलग हो गया। अब रही बात कि वो यादगार जो है शिवलिंग टूटने की, वो यादगार आंध्रा में क्यों दिखाई गई? और दूसरे स्टेट में क्यों नहीं दिखाई गई? शिवलिंग के जो पांच टुकड़े हुए वो पांचों ही टुकड़े आंध्रा में उनकी यादगार क्यों दिखाई हुई है? क्योंकि आंध्रा जो है वो नाम ही जाहिर करता है क्या अर्थ है? अंधा। जहां माया के तूफान बहुत आते हैं तो तूफान आने पर आंधी आती है, वो तूफान अंधा बना देता है। माया का तूफान अंधा जरूर बनाता है। भले सागर के किनारे रहे पड़े हैं, क्या ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सागर के किनारे है? है आंध्र। केरला तो छोटा है, तमिलनाडु भी बड़ा तो है, लेकिन ये नहीं कहेंगे उसका ज्यादा हिस्सा आंध्रा से भी ज्यादा है जो समंदर के किनारे है। अब ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में आ जाओ, ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में जो ज्ञान सागर है उस ज्ञान सागर के नजदीक रहने वाला जो ज्ञान का अंधा है वो कौन है? अंधे लगड़े की कहानी तो सुनी होगी, है विजयमाला। जब ज्ञान की अंधी है तो तूफान तो आएंगे, तूफान तो आते हैं, लेकिन जो ज्ञान सागर का दिल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ, ज्ञान सागर का जो दिल है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? आंध्रा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए कितने भी तूफान आते हैं तो भी आंध्रा सरसब्ज बन के रहता है। इसका मतलब बाप का आधार कौन हुआ? है आंध्रा आधार हुआ, और जो आधार है उस आधार के ऊपर सारा मदार होता है।
प्योरिटी के आधार पर ही राम वाली आत्मा को विश्व की बादशाही मिलती है। बल कितना भी ईश्वरीय ज्ञान ले ले, लेकिन विश्व की बादशाही मुहैया नहीं हो सकती। कब तक? जब तक आंध्रा सहयोग न दे। और जो अज्ञान के अंधे होते हैं, उनके ऊपर गुरुओं का ज्यादा प्रभाव पड़ता है या कम प्रभाव पड़ता है? हैं? ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो जितना ज्यादा अज्ञानी होगा, जितना ज्यादा अंधविश्वासी होगा, अंधश्रद्धालु होगा, उसको गुरु लोग बहुत पकड़ते हैं। बुद्धिवादी होगा तो गुरुओं का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंध्रा एक ऐसा स्टेट है, क्योंकि एक तो भाषा नहीं जानते, जो भगवान की भाषा है वो भाषा आंध्रा के पास नहीं है। भाषा से भी अंधे और ज्ञान से भी अंधे, लेकिन दिल से नजदीक। जब संपूर्ण विजयमाला तैयार होगी युगलों की, तो जो पहला मणका है और जो लास्ट मणका है, वो दोनों ही मणके ईश्वर के नजदीक होंगे समान रूप से, या कोई ज्यादा कोई कम है, दोनों ही समान रूप से नजदीक होंगे। माने ज्ञान सागर के नजदीक जितना रुद्रमाला का अव्वल नंबर का मणका है, उतना ही ज्ञान सागर के नजदीक विजयमाला का अव्वल नंबर का मणका उतना ही नजदीक है, दूर नहीं है। इसलिए आंध्रा जो है वो आधार है। आधार होने के कारण जो शिवलिंग का पाठ बजाने वाली आत्मा है, वो दिल से किस तरफ झुकी हुई है? आंध्रा की तरफ। और आंध्रा की तरफ जब झुकी हुई है, इसलिए रावण को इतने बाण मारे, इतनी बार सर काटे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जितने सर काटते जाओ उतने सर पैदा होते जाते थे। क्या कारण था? रावण के जो पेट में है वो अमृत बसा हुआ था, नाभि में। इसलिए विभीषण ने तरीका बताया, इस नाभि कुंड में बाण मारो तो जो अमृत है इसके पेट में रखा हुआ, प्योरिटी की पावर है, वो प्योरिटी की पावर निकल जाएगी। तो क्या रह जाएगा? दुनिया के सारे काम प्योरिटी के होते हैं। रावण के पास भी जो शक्ति है वो प्योरिटी की शक्ति होती है, नहीं तो रावण पावरफुल नहीं है। और राम संप्रदाय वाली आत्माएं जो बंदर संप्रदाय कही जाती हैं, उनके इस पास प्योरिटी होती नहीं। इसलिए बोला विजयमाला का आवाहन करो, तो विजयमाला का आवाहन करने से क्या होता है कि प्रैक्टिकल में भी आंध्रा सागर के नजदीक हो जाता है, प्योरिटी भी हो और ज्ञान भी हो। माला में दो प्रकार के धागे होते हैं, एक ज्ञान का सूत्र और एक स्नेह का सूत्र, प्योरिटी का सूत्र। दो धागे मिलकर के सारे मणकों को जोड़ देते हैं। तो जब शिवलिंग खंड खंड होता है, कौन से युग से? द्वापर युग से। द्वैतवादी युग से जब खंड खंड होता है, तो पांचों ही जो वर्ग हैं उनके मुखिया वो ही आधार लेते हैं,
जो मुख्य शिवलिंग का आधार है, वो माता है पांडवों की, उसका नाम क्या है? कुंती। क्या? हाँ, जिनसे बनता है कुंतल केस। ये कौन से केस हैं? कौन सी जटाएं हैं? ज्ञान की जटाएं हैं। वो ज्ञान की जटाएं प्योरिटी के आधार पर काम करती हैं, तभी विश्व की बात सही स्थापन होती है। तो पांचों यादगार आंध्र में बनी हुई और है। पांडव ने अपने अज्ञातवास के शुरू करने के समय अपने आयुध सब जन्मे वृक्ष पर रखा बोलते हैं ना। इसके बाद विजयदशमी दिन सब निकाल करके फिर पूजा करके अपना काम शुरू करेंगे बोलना। जम्मे वृक्ष के किसके लिए जम्मे वृक्ष बोलना? युद्ध करने के लिए जब सन्नद्ध हुए तो सारे आयुध उतार लिए, और जब गुप्तवास में गए तो सारे आयुध क्या किया? वृक्ष पर टांग दिए। ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कितने करोड़ पत्तों का है? 500 करोड़ पत्तों का ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो पांच भारतीय पांडव हैं, वो अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों को सारे संसार में बिखेरते हैं। उनका लक्ष्य सारे संसार में बिखेरने का है, या कुछ गिनी चुनी आत्माओं को वो शस्त्र देने का लक्ष्य है? है, सारी दुनिया को वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मिलने चाहिए, इसलिए दिखाया है वो पेड़ पे लटका दिए। माने 500 करोड़ सारी शक्ति के पास वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बिखर जाते हैं, तो ज्ञान विस्तार को पा जाता है या सार में आ जाता है? विस्तार को पा जाता है। जब ज्ञान विस्तार को पा जाएगा तो जो सृष्टि का पिता है, सृष्टि का जो पिता है मनुष्य सृष्टि का, वो बीज रूपी स्टेज में स्थिर होगा, या उसकी आत्मा की पावर सारे शरीर में बिखर जाएगी? क्या होगा रिजल्ट? ज्ञान भी सतो प्रधान और तमो प्रधान बनता है। सतो प्रधान होता है तो बिंदु ऐसी स्टेज आसानी से बन जाती है, और जब ज्ञान तमो प्रधान बनता है, फैलता है जैसे वृक्ष फैलता है, पहले बीज होता है, बीज में ताकत होती है, वो ताकत न वृक्ष के पत्तों में होती है, न टहनियों में होती है, न तने में होती है, न जड़ में होती है, वो पावर बीज में होती है। वो बीज है आदि में, और वो बीज है सतयुग के आदि अंत में। सतयुग के अंत में सभी आत्माएं बीज रूपी स्टेज में होंगी, ज्ञान का विस्तार खत्म। तो ऐसे ही ये अर्थ दिखाया है कि पांडव जब आखिरी गुप्तवास में गए तो तब तक उन्होंने अपना सारा ज्ञान का अस्त्र शस्त्र सारे वृक्ष में सौंप दिया, गुप्त हो गए। जब गुप्त हुए तो सब पांडव तो गुप्त हो गए। कौरवों ने क्या समझा? कौरवों ने क्या समझा कि हम विश्व के मालिक बन गए या नहीं बन गए? है, वो समझते हैं कि हम विश्व के मालिक बन गए। अब वो तो गए गड्ढे में, लेकिन जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध जब शुरू होता है तो जब विनाश शुरू होगा, युद्ध शुरू होगा,
उस समय सभी उठ करके खड़े हो जाएंगे आखिरी सीन में, या कोई पड़े हुए रह जाएंगे? आखिरी सीन में सब उठ करके खड़े हो जाते हैं, वो पांडवी आत्माएं भी उठ करके खड़ी हो जाती हैं पुरुषार्थ में, लेकिन उससे पहले वो अपने ज्ञान शस्त्रों को रिवाइज करके फिर एकाग्र करते हैं। वो ज्ञान के शस्त्र जब एकाग्र हो जाते हैं तो बीज रूप स्टेज से सारे काम स्वतः ही सिद्ध होते हैं। हम ज्ञान के फोर्स से कितनी भी सेवा करना चाहें संसार में, सेवा नहीं होती है। लेकिन जब हम स्वयं स्थिति में स्थित हो जाएं, अव्यक्त स्टेज में स्थित हो जाएं, तो सारे कार्य बाप दादा हमसे कराते हैं, हमें सोचने की दरकार नहीं रहती है। तो ये है ज्ञान को सार में समाना और ज्ञान को विस्तार में ले जाना। विस्तार में ले जाने से दुनिया का कल्याण होगा। जितना हम दूसरों की सेवा में लगे रहेंगे तो दुनिया वालों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, तो हमारी शक्ति क्षीण होती है। फिर जितना हम आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाएंगे, उस आत्मिक स्टेज में स्थिर होना माना सारे ज्ञान के ऐसे शस्त्रों की एकाग्रता हो जाना। सारा कारोबार बाप दादा खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। और शनिवार के दिन अच्छा माने पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन करेंगे और दूसरे दिनों में पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं। पीपल का वृक्ष जो है वो ब्रह्मदेव कहा जाता है। कौन सा देव कहते हैं? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। जब तामसी रूप धारण करता है तो उसे ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं। पीपल के वृक्ष को हिंदू लोग उसकी लकड़ी को कभी जलाते नहीं है। क्या क्या करेंगे? और किसी भी काम में लेंगे लेकिन उसको जलाएंगे नहीं। पीपल का जो पत्ता है वो बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में। किस रूप में प्रसिद्ध है? है पीपल का पत्ता प्रसिद्ध इस अर्थ में है कि जब दुनिया में प्रलय हो जाती है तो उस प्रलय काल में पीपल का पत्ता है बचता है सागर में। सारा सागर हेलोरे मारता है जोर से, सारी दुनिया डूबती है लेकिन पीपल का पत्ता हिलोरों में कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, अप एंड डाउन होता रहे, लेकिन वो डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता? कारण क्या है? क्योंकि सृष्टि का जो पहला पत्ता है कृष्ण वाली आत्मा वो उस पर विराजमान होती है। माने ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, जो पीपल के पत्ते के रूप में पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है जगदम्बा, थोड़ा भी माया का झोंका आता है और थर थर कांपती है। क्या ताकत नहीं है? जितने भी पेड़ों के पत्ते हैं उनमें कौन सा पत्ता ऐसा है, कौन सा पेड़ है जिसका पत्ता थोड़ा भी हवा का झोंका आएगा तो
जोर से हिलेगा। कौन सा पत्ता है? पीपल का ही पत्ता है। और पत्ते नहीं इतने हिलते हैं, पीपल का पत्ता बहुत हिलता है। तो रुद्रमाला का जो आखिरी मणका है जगदम्बा, वो पीपल के पत्ते के मानिंद है। लेकिन उस पत्ते की ये विशेषता है कि जब भगवान किसी मुकर्रर रथ में आता है तो प्रवृत्ति मार्गीय ब्राह्मण धर्म की स्थापना के लिए सहयोग देने के कार्य में वो पत्ता ही सबसे आगे जाता है। इसलिए मान्यता है कि भगवान को जब भोग लगावेंगे तो भोग तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसमें पत्ता नहीं डालेंगे। कौन सा पत्ता? तुलसी का पत्ता। अब वो तुलसी का पत्ता कहो, वो ही पीपल के पत्ते के रूप में दिखाया। जब तुलसी का पत्ता है, भोग लगाया जाता है, वो आदिकाल की यादगार है। और जो पीपल का पत्ता है, वो अंतिम पुरुषार्थ के अंतिम समय की यादगार है, फाइनल पेपर की। फाइनल पेपर जब शुरू होता है तो तीन सीट्स प्रत्यक्ष होती है। कौन कौन सी? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। तो ये अंतिम पुरुषार्थ का रूप है उस आत्मा का। इसलिए जो पीपल का पत्ता है वो सिख धर्म की आत्मा है, पंजाब का खून है। इसलिए बोला कि कन्यादान में पंजाब की धरणी सबसे आगे चली गई। एडवांस पार्टी में जब कन्याओं का सरेंडर होना शुरू होता है तो पहले पहले कदम कौन बढ़ाता है? जगदम्बा आगे कदम बढ़ाती है। वो पहला पहला जो बीजारोपण है अर्पण होने का, वो अंत तक काम देता है। इसलिए बोला है कि दिल्ली की कन्याओं माताओं को अंत तक सहयोग लेने का अधिकार है। कैसा भी ऊंच नीच हो जाए लेकिन दिल्ली की कन्याओं माताओं को अंत तक सहयोग मिलेगा। भगवान बांधा हुआ है, नैया हिलेगी दुलेगी लेकिन डूबने नहीं देगा। तो जो अंतिम पत्ता है वो अंतिम धर्म से निकलता है, वो ही सिख धर्म की आत्मा जब बेसिक ज्ञान लेना शुरू करती है, ब्राह्मण के दूसरे जन्म में, तो आर्य समाजी सेंटर से निकलती है। विधर्मियों में कितने धर्म हैं जो विधर्मी कहे जाते हैं? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यासी, मुस्लिम, सिख और सातवां आर्य समाज। ये सातवां दिन जो है वो शनिदेव का दिन है। किसका दिन है? शनिदेव। बहुत ही अहंकारी है, उसी दिन उसकी पूजा होती है। शुक्रवार को पूजा नहीं करेंगे। शुक्रवार किसका दिन है? कौन से धर्म वालों का है? अरे मस्जिद में जाते हैं ना, है? हाँ, जिस मस्जिद में जाते हैं उस मस्जिद का नाम क्या देते हैं?
कहते भी हैं शुक्र है खुदा का, क्या वो एक ऐसा सितारा है कि जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो तब तक उदय नहीं हो सकता जब तक वो शुक्र ताला पहले उदय न हो जाए। शुक्र सूर्य से उदय होने से पहले ऊषा उदय होती है, लाल लाल जीव लपलपाती हुई, लेकिन ऊषा से भी पहले उदय होता है शुक्र तारा। इसलिए इस्लाम धर्म का जो मुखिया है वो झाड़ के चित्र में भारत के सन्मुख दिखाया गया है, और धर्म वाले जो हैं वो अहंकार में बैठे हुए हैं। इस्लाम धर्म का मुखिया अहंकारी नहीं है फिर भी सहयोगी है भारत का, इसलिए बोला है जब विनाश होगा तो पहले पहले कौन मरेंगे, ये इस्लाम ही मरेंगे। अभी भी देखने में आता है कि जहां ज्ञान की बाजी लगाने की बात आ जाती है धर्म के लिए तो आप घाती पुरुषार्थ कौन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है? गए हवाई जहाज लेकर के और अमेरिका में टकराए दिया, खुद भी मर गए, जानते थे कि नहीं मर जाएंगे कि बच जाएंगे, है? मर जाएंगे लेकिन परवाह नहीं करते, जान की बाजी लगाने वाले हैं, तो वो है शुक्राचार्य। किसका गुरु है, है? और असुरों का गुरु है। असुर ज्यादा पावरफुल होते हैं या देवताएं ज्यादा पावरफुल होते हैं, है? असुर ज्यादा पावरफुल होते हैं। बाबा इधर तो लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को होती है, लक्ष्मी पूजा शुक्रवार दिन करेंगे ना। दुनिया में जितने भी धनवान हैं वो धनवान कौन से धर्म में हुए हैं, द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक, अभी अंतिम 100 वर्षों की बात छोड़ दो, दुनिया के बड़े से बड़े धनवान कौन से देश में हुए और अभी भी धनवान है? पेट्रोल सारा कहाँ भरा पड़ा है, है? अरब देश में, मुस्लिम देशों में सारा पेट्रोल भरा हुआ है, कुछ भी उनको करने की दरकार नहीं है, जैसे स्वर्ग में कुछ भी करने की दरकार नहीं है, बना बनाया माल तैयार है, निकालो और बेचो। जैसे बीके वालों के पास वो पेट्रोल भरा पड़ा है, मुरली कोई ताकत नहीं है क्या, लेकिन जो बीके में चलने वाले फॉलोअर्स हैं वो किस बात से डरते हैं, हमारी मुरली बंद हो जाएगी। दुनिया वाले भी किस लिए डरते हैं, मुस्लिम देशों से, कहीं ऐसा ना हो हमारा पेट्रोल बंद हो जाए। अगर पेट्रोल मिलना बंद हो गया तो सारे क्रियाकलाप किसी भी देश के ठप्प हो जाएंगे। ये पेट्रोल की पावर है, उनके पास है पेट्रोल की पावर, लेकिन वहां पेट्रोल की रिफाइनरीज नहीं है। वो पेट्रोल जो रिफाइन किया जाता है वो कहाँ रिफाइन होता है, है? एडवांस में। वो मुरली की रिफाइनरी वहां नहीं है, वो रिफाइनरी कहाँ है, एडवांस ज्ञान में। एडवांस ज्ञान में तैयार होता है डी जल, डायरेक्ट ज्ञान जल। डायरेक्ट ज्ञान जल कहाँ मिलता है, एडवांस में मिलता है। तो बहुत पावरफुल है, तो ये 7 बार हैं
उन सात वारों में शनि भी एक देवता मान लिया गया है। क्या कहते हैं नाम? शनि देव। तिवाते पे पूजा करते हैं क्या? जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं वहां शनिदेव की पूजा की जाती है। तो ये पीपल का वृक्ष है, वो ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। जब शनिचर की दशा चढ़ती है, ये शनिचर की दशा भी कभी देवता का काम भी करती है। उसमें एक विशेषता है कि जिससे दोस्ती कर लेगा उसकी दोस्ती सदैव निभाता है, भले कितना भी अहंकारी है। और पांडव जो हैं वो देवता नहीं है, देवता बनने के पुरुषार्थ ही हैं कि देवता हैं? है क्या है? पुरुषार्थ ही हैं। वो पांचों प्रकार के पुरुषार्थी भारतीय हैं, इसलिए बाबा ने बोला है कि पांडवों के मंदिर भले नहीं बनाते हैं लेकिन पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाते हैं। वो चित्र छत इतने ऊंचे बनाते हैं, तो जिस छत के नीचे पांडवों के चित्र रखे जाते हैं वो मंदिर भले नहीं कहा जाता है लेकिन घर तो है। वो घर गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ करने वाले हैं, उनकी बुद्धि इतनी विशाल है कि उनके चित्र छत इतने ऊंचे बनाए जाते हैं। इसलिए भारतीय धर्मों में फिलॉसफी है, फिलॉसफी की गहराई है, बुद्धिमत्ता है। विदेशी धर्मों में इतनी फिलॉसफी गहराई नहीं है उनके शास्त्रों में। और कोई बाप का बच्चा पैदा होता है तो जो पहले बच्चा पैदा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा या बाद में पैदा होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा? जो पहले पैदा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें ताकत ज्यादा होती है। इसलिए दिखाया गया है कि कश्यप ऋषि जिनसे सृष्टि की पैदाइश हुई, जिन्होंने काक्ष अर्थात याद के तेज का बल पिया, कश्यप, काश्य माने याद का तेज, अप्पा माने पिया, वो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी का नाम दिति और छोटी पत्नी का नाम अदिति। तो सोचने की बात है कि बड़ी ने पहले ज्ञान लिया होगा या छोटी ने पहले ज्ञान लिया होगा? अरे ये तो ज्ञान की औलाद हैं या कोई पेट की औलाद हैं? ज्ञान की बातें हैं संगम युग की। तो संगम युग में ज्ञान का बीजारोपण माने एडवांस ज्ञान की गहराइयां जो हैं वो दिति के पल्ले पड़ती हैं या अदिति के पल्ले पहले पड़ती हैं? हैं? ज्यादा ज्ञान किसने लिया होगा, पहले किसने लिया होगा? दिति ने लिया। दिति है बड़ी रानी और अदिति है छोटी रानी। इसलिए अब समझ में आ जाना चाहिए
वो है बड़ी मम्मी और वो है छोटी मम्मी। शक्ति तो है, असुरों की शक्ति है, देवताओं की शक्ति है, कहाँ है? है? अरे वो शक्ति कहाँ की बात है? यहाँ की बात है। इस शक्ति में जो ब्राह्मणों की शक्ति कही जाती है, उस शक्ति में बड़े से बड़े असुर देखना हो तो यहाँ देखो, और बड़े से बड़े देवताएं देखना हो तो यहाँ देखो। जो असुर हैं वो दिति की औलाद हैं। दिति कहा जाता है जिससे पैदाइश होती है दैत्य की। दिति की औलाद कौन? दैत्य। दिति से बनते हैं द्वैतवाद और अदिति से बनते हैं अद्वैत देवताएं। दिति अर्थात खंडित और अदिति अर्थात अखंड। जिसकी प्योरिटी खंडित हो जाए वो हो गई दिति। महाकाली के रूप में पार्ट बजाने वाली या महाकाली की भुजाएं, वो सब किसकी औलाद हुई? दिति की औलाद। और जो अदिति है वो अखंड है। किस बात में? है प्योरिटी में। तो जो अखंड है वो भारत माता है, जो खंडित हो गई वो जगत माता है। जगत में सब धर्म है और भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता सनातन धर्म गाया हुआ है। भारत की पवित्रता गाई हुई है। इस पवित्रता के कारण ही भारत में भगवान आते हैं, विदेशों में भगवान नहीं आते हैं। और है यमुना जो है वो सूर्य पुत्री कही गई है। और बाबा मंदिर में, मंदिर का ऊपर बहुत ढेर सारी देवताएं होता है और अंदर पूजा होता है, एक देवता को पूजा होता है। इतना ढेर सारी देवताएं सब सर्दी में बारिश में ऐसा होता है, माना हिंसा की बात है क्या? मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर। हाँ मंदिर का जो बुर्जी होती है, बुर्ज होता है, गुम्बद होता है, उसमें ढेर देवताएं दिखाई गई हैं। और अंदर नहीं, ऐसी बात नहीं है कि देव शिव के मंदिर में अनेकों देवताएं दिखाई जाती हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दो प्रकार के लक्ष्मी नारायण के मूर्तियां रखी हुई है। एक को लक्ष्मी नारायण कहते हैं और दूसरे मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है उसको विष्णु का मंदिर कहते हैं। तो जो अंदर दिखाया गया है वो संपन्न पुरुषार्थी दिखाए गए हैं, संपन्नता की पूजा होती है। और जो बाहर दिखाए गए हैं वो पुरुषार्थी जीवन है। पुरुषार्थी जीवन के ऊपर आंधी भी आती है, तूफान भी आता है, बरसात भी पड़ती है, ओले भी गिरते हैं, पत्थर भी गिरते हैं, जो गिर रहे हैं अभी। ग्लानी के पत्थर सहन करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते हैं? सहन करने पड़ते हैं। तो बाहर के हैं या अंदर के हैं? अभी अभी मंदिर बना कहाँ है जो आप मंदिर के अंदर रहे हैं? इसलिए बाहर की जो मूर्तियां हैं, चाहे कोणार्क मंदिर हो, चाहे सूर्य मंदिर हो, चाहे जगन्नाथ मंदिर हो, वो अधूरा पुरुषार्थ है। हाँ जी, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा लिख दिया। ये ज्ञान तो सारी दुनिया मानेगी। तो बाबा साइंस वाले इस बात को कैसे मानेंगे
कि 4.5 लाख आत्माएं जो बर्फ में दब जावेंगी, उनकी आत्मा परम धाम में जावेगी, तो शरीर मुर्दा बन जाएगा। जरूरी है कि मन बुद्धि रूपी आत्मा जो प्रैक्टिस कर चुकी हो इस बात की, इस दुनिया को मन बुद्धि त्याग दे और कहां पहुंच जाए, ऊंची स्टेज में पहुंच जाए, तो जिनकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी वो यहां अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे। ये अनुभव करेंगे कि शरीर यहीं पड़ा हुआ दिखाई पड़े निर्जीव, और आत्मा ऊपर से देखे, जब चाहे अपने शरीर को त्याग करके दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाए और अपना काम करके फिर वापस अपने शरीर में आ जाए। अपने शरीर में वापस आके जब चाहे और जितनी देर चाहे मन बुद्धि रूपी आत्मा परम धाम में लटकती रहे और शरीर नीचे पड़ा रहे, उसे मुर्दा कहेंगे। मुर्दा कहेंगे उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा को सबसे जास्ती प्यार होता है अपने शरीर से। देह के संबंधियों से बाद में, देह के पदार्थों से बाद में, तो आत्मा को जिससे जास्ती प्यार है वो संग के रंग में ज्यादा रंगेगा कि दुनिया के पदार्थ और दुनिया के संबंधी ज्यादा रंगेंगे। ज्यादा संग का रंग किसको चढ़ेगा? आत्मा की सात्विक स्टेज का संग का रंग अपने शरीर को ज्यादा चढ़ेगा या दुनिया के 5 तत्वों को ज्यादा चढ़ेगा? अपने शरीर को ज्यादा चढ़ेगा। पहले अपना शरीर ऐसा स्टेज को प्राप्त करे कि दुनिया में कितना भी विनाश बरपा होता रहे परंतु उन शरीरों को 5 तत्व बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे फ्रीज में कोई चीज सेफ करके रखी जाती है, फ्रीज में फल हो सब्जी हो सड़ती है क्या? है आलू साल भर रखा रहता है, सड़ता है क्या? 5 तत्वों का असर क्यों नहीं होता? दुनिया में तो शरीर मुर्दा हो जाता है तो सड़ना शुरू कर देता है। मुर्दा होगा तब सड़ना शुरू करेगा या मुर्दा होने से पहले ही सड़ना शुरू कर देगा? है मुर्दा होगा तो सड़ना शुरू करेगा। तो ये बर्फ ऐसी चीज है जो सड़ने नहीं देती, और वो बर्फ जब दुनिया में पूरा विनाश हो जाएगा तो बर्फ ही बर्फ रह जाएगी। वो बर्फ उन 5 तत्वों से बने हुए शरीरों की सुरक्षा करेगी, मुर्दा नहीं होने देगी। सुरक्षित रहेंगे। बाहर हटके दिखाया एक माता जी, शिव जी है एक माता भी है, उन्होंने भी बाहर करके बच्चे के साथ घर के बाहर है, उसका अर्थ क्या है? शंकर जी, शंकर घर के बाहर है, माता जी भी घर के बाहर है एक बच्चे के साथ, उसका अर्थ क्या है?
कृष्ण का मंदिर में है कृष्णा मंदिर है ना, कृष्णा मंदिर कंपिल में कृष्ण का मंदिर है। हाँ गीता मंदिर बना है ना, विज्ञान मंदिर में छोटा बच्चा है, माता के हाथ में छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। हाँ है हाँ अरे जो बच्चा होता है माँ बाप का बच्चा होता है ना, बच्चे को सिर माथे पर लगाया जाता है या उसको त्यागा जाता है? माँ बाप बच्चों के दास दासी होते हैं या नहीं होते हैं? दास दासी होते हैं। शिव बाप आया तो हम बच्चों के लिए क्या बोलता है, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, तो हम फॉलो फादर नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? तो फॉलो फादर करने वाले मनुष्यों में जो पहले नंबर का मनुष्य है प्रजापिता, वो फॉलो फादर नहीं करेगा है? बच्चे को जो कृष्ण वाली आत्मा है, ज्ञान चंद्रमा है, उस ज्ञान चंद्रमा को सर माथे पर नहीं रखेगा है? टट्टी पेशाब से सना हुआ बच्चा होता है, माँ बाप उसको गोद में संभालते हैं या फेंक देते हैं? क्या करते हैं? गोद में संभालते हैं। तो भला अधूरा रूप है चंद्रमा का, बच्चे का रूप अधूरा है, पतित रूप है, लेकिन उस बच्चे को भी आस लगी हुई है। माँ बाप की बच्चों में आस होती है कि ये बच्चा आज नहीं तो कल संपन्न हो जाएगा, तो उसको सर माथे पर रख लिया तो क्या बड़ी बात है? और संगीत बजाने से संगीत बजाने से वातावरण में सुख शांति महसूस होती है, ऐसे भक्ति मार्ग वालों की मान्यता है या ज्ञान मार्ग वालों की मान्यता है? कम तो होते हैं, लेकिन संकल्प जब तक संगीत बजता रहेगा तब तक ही एकाग्र होंगे, या बंद हो जाएगा तब भी एकाग्र बने रहेंगे है? जैसे कोई कोई दवाइयां होती हैं, एक वो कौन सी मशरूम की दवाई निकली है, गेनोडर्मा, हाँ कुछ दवाइयां और भी ऐसी होती हैं कि वो दवाइयां जब तक खाते रहो एनर्जी महसूस होगी, महीने दो महीने चार महीने खाओ खूब ताकत रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, अगर उनको बंद कर दिया तो ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? एक एक मशीन निकली है सरजम, विदेश से आई है, जिन्होंने उस मशीन का लगातार उपयोग किया है उनका अनुभव बताता है कि जब तक उस मशीन का उपयोग करते रहें, यूज में लेते रहें, प्रयोग करते रहें, तो दर्द बंद होता है। अगर बंद कर दें तो दर्द फिर शुरू, तो आदि हो जाते हैं। तो ऐसा आदि बनना आपको अच्छा लगता है बाहरी साधनों का? बाहरी साधनों का आधार लेना ये जीवन में जरूरी है, जब विनाश होगा तो बाहरी साधन मिलेंगे है? नहीं मिलेंगे। और जब बाहरी साधन नहीं मिलेंगे तो फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे, क्या होगा है?
फेल हो जाएंगे। तो क्या बनना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं या फेल होना चाहते हैं? पास होना चाहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा न गीत सुनना है और न गीत गाना है। गीत गाना भी नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है, ये बेसिक वालों का पुरुषार्थ है। जो एकाग्र होने के लिए बाहरी साधनों का आधार लेते हैं, ये ईश्वरीय नॉलेज नहीं है, दुनियावी अभ्यास नहीं है। ये दुनियावी अभ्यास है, ईश्वरीय अभ्यास नहीं है। ईश्वर अंतर्मुखी होना बताता है, सिखाता है, या बहिर्मुखी होना सिखाता है? है अंतर्मुखी होना सिखाता है। अंतर्मुखी के लिए कोई भी साधन की दरकार नहीं है, लाल लाइट की भी दरकार नहीं है, चारों तरफ सफेद कपड़े लगा दो इसकी भी दरकार नहीं है, सूक्ष्म बतन बना दो, गीत की भी दरकार नहीं है। जो संगीत बजता है हल्की हल्की ध्वनि से टुन 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 टुन, उसकी भी दरकार नहीं है। जिन्होंने ये अभ्यास डाल लिया है उनको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये साधन आगे चल के नहीं मिलेंगे, कारखाने नहीं रहेंगे। तो साधनों के आधार पर साधना बालू के ऊपर खड़ा हुआ महल है, जैसे गंगा जी के रेत के ऊपर कोई चार मंजिल की मकान बना दे तो ठहरेगा नहीं ठहरेगा, आंधी आएगी रेत उड़ जाएगा मकान गिर जाएगा, बाढ़ आएगी रेत को बहा ले जाएगी मकान गिर जाएगा। तुम बच्चे हो मुर्दों को ठोकर मारने वाले, निर्वा मौत मलू का शिकार, निर्वा माने जानवर, अब उन्हें जानवर कहो या राक्षस कहो, जानवर भी अकल नहीं चलाते हैं और राक्षस भी कर्म अकर्म विकर्म क्या होता है इस बारे में अकल नहीं चलाते हैं। और मुर्दों को ठोकरें मारने वालों में, डांस करने वालों में एक महाकाली भी दिखाते हैं और महाकाल को भी दिखाते हैं। और चलो